सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? सब इंजॉय कर रहे हैं आई बिलीव। मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। मैं अभी उठा हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ। आप लोगों को एक चीज़ बताना था जो मैं भूल रहा था, और इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं कैसे भूल गया मुझे खुद नहीं पता। गाइज, आप लोगों को एक मोस्ट स्पेशल पर्सन से मिलवाना है। शी इज़ प्योरली लव और शी इज़ अ लव ऑफ माई लाइफ। तो आपको जिससे मिलवाना है, दिखाता हूँ मैं आपको। 1, 2, 3। एंड सी, इसका नाम है एडोरा। ये मेरी लाइफ है, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। आपको बताना चाहूँगा, ये 90 डेज़ की हो गई है। 45 डेज़ की थी ये मेरे पास आई थी, और तब से लेकर अब तक ये मेरे इतना क्लोज़ आ चुकी है, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब हर दिन ये मेरे क्लोज़ आ रही है, हर सेकंड मेरे क्लोज़ आ रही है। इसके बिना यार मन नहीं लगता। एडोरा, से हाय टू एवरीवन। देखो, एवरीवन इज़ वॉचिंग यू। सब देख रहे हैं बेटा? हाँ, सब देख रहे हैं। अरे जो यार, बहुत मस्ती करती है यार। गाइज, मैं पेट लवर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मतलब ये है कि सॉफ्ट कॉर्नर था पेट्स के लिए, बट मैं पेट लवर नहीं था। ओ, बट जब से ये मेरी लाइफ में आई है यार, मुझे इतना प्यार हो गया इनसे। इनफैक्ट मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी की रहती है कि इसने खाया क्या है, खाया प्रॉपर है या नहीं खाया, या मस्ती कर रही है नहीं कर रही। तो गाइज, आप सब लोग प्लीज़ बताइएगा कि एडोरा आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। बहुत प्यारी है, देखिए इसको। एडोरा से हाय। तो गाइज, ये एक स्पेशल सरप्राइज था आप लोगों के लिए भी। मुझे तो ये बहुत एंटरटेन करती है, कभी कभार मुझे तंग भी करती है, बट वो तंग करना इक्वल है यार, बहुत मस्ती करती है मेरे साथ, मुझे बहुत मज़ा आता है इसके साथ। और आप मानेंगे नहीं, पहले मैं बहुत कम घर रहता था, मतलब किसी भी रीज़न से बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ, क्रिकेट, ये। जब से ये आई है मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं करता, मेरा मन करता है इसके आसपास रहूं और एंजॉय करूं। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी है एडोरा। और अब मेरे सारे व्लॉग्स में, इनफैक्ट एडोरा ऑलमोस्ट आएगी, हमेशा आएगी, आपको ये देखने को मिलेगी। वेट, सब देख रहे हैं आपको, देखो। हाँ, बी इनोसेंट। तो गाइस, ये थी एडोरा। अब मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ यार, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और दिखाता हूँ कि एडोरा की मस्ती कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो बने रहिए गाइस मेरे साथ। मैं एडोरा को एक बार नीचे रख देता हूँ। ओ, आ जा। एडोरा मस्ती कर रही है, देखिए। एडोरा बाय बोल दो। मैं नहा चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ। आप मुझे देख भी पा रहे होंगे कि आज मैं थोड़ा सा सही लग रहा हूँ, राइट? सो उठते ही सबसे पहली जो चीज़ होती है वो एडोरा की फीडिंग होती है। और एडोरा की फीडिंग के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एडोरा अभी कर क्या रही है। आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको किचन के अंदर दिखा देता हूँ। ये एडोरा ये सब कर रही हैं अंदर। एडोरा यहाँ मस्ती करती हैं, हमेशा वॉश बेसिन के नीचे जाके एंजॉय करती हैं। तो इनके लिए हमें डे में कम से कम 3 to 4 times तो किचन क्लीन करना पड़ता है। बिकॉज ये जैसे ही डोर ओपन होता है, ये डोर ओपन होता है, स्लाइडिंग डोर है, ये डोर ओपन होते ही इसका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है कि मैं किचन के अंदर जाऊं और जो भी मटेरियल मिले मुझे, कुछ भी, एनीथिंग, इधर अनियन, पटेटो, कुछ भी मिले वो फटाफट ग्राफ करूँ। और दैट इज़ नॉट गुड फॉर हर ना, तो हमें लुक आफ्टर करना पड़ता है। और अभी भी देखो, ये एंजॉय कर रही है यहाँ पर। कम, से हाय टू एवरीवन, से कम बेबी कम, से या एडोरा, से हाय टू ऑल। गाइस, आप भी हाय करो एडोरा को, हाय। सो इसका फीडिंग टाइम था मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जो इसकी डाइट प्लान चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो एग का वाइट पार्ट होता है उसको मिक्स करके इसमें देना था। जो वो अभी 3 बज चुके हैं
लंच हो चुका है और एडोरा का जो डे मील था वो भी हो चुका है। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया बिकॉज मैं कुछ काम भी कर रहा था, अभी बाहर मार्केट भी गया था, आते ही इसका मील किया है क्योंकि ये भी वेट कर रही थी कि मील का जो टाइमिंग है वो 1 o'clock है और यहाँ 2:30 बज चुके हैं। ये लिटरली इतनी एनर्जेटिक हो चुकी थी और मुझे बाइट करने के लिए आ रही थी। भाई मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। कुछ टाइम पहले ही मैंने शीट का जो अरेंजमेंट है नीचे करवाया था और शीट का काफ़ी बेनिफिट मिलता है, अगर बाहर बारिश भी आ रही है या धूप आ रही है या डस्ट आ रही है उससे भी कवर होता है। तो मुझे लगा था क्योंकि स्टार्टिंग में जब भैया आए थे, भैया को एक बार हाई कर दो, ये भैया हैं, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, इससे डालू थोड़ा सा ना लाइट आ रही है। नरेश भैया हैं और नरेश भैया काफ़ी सालों से ही इसी काम में हैं। नरेश भैया कहाँ से हैं ये नरेश भैया खुद बताएंगे। नरेश भैया थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कितने टाइम से कर रहे हो और मतलब किस किस चीज़ में काम करते हो और कहाँ पर हैं आपका? शहर में रहते हैं। अच्छा शहर में काम करते हैं। अच्छा और दादा ही काम में मारते दादा मतलब आप ये कह रहे हो कि आपका एंसेस्टर मतलब 25-30 साल 40 साल 50 साल पुराना काम। ठीक है और हर टाइप की आप शीट्स बना देते हो, मतलब शीट्स के अलावा और क्या बना सकते हो? जी हट बनाते हैं। हट बना देते हो आप? अच्छा ग्रिल बनाते हैं, बांस की ग्रिल भी बनाते हैं। तो गाइज मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा, आपको अगर शीट का काम करवाना है या कुछ फैंसी आपको फेंसिंग बनवानी है या ग्रिलिंग का काम करवाना है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि अच्छा से अच्छा प्राइस ये आपको कोट करेंगे, कोई भी किसी भी टाइप का इनको ग्रीडीनेस नहीं है, कोई लालच कुछ भी नहीं है, बहुत ईमानदार इंसान है। तो जब ये बना रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये लेकर आए हैं ये शीट, ये बना रहे हैं पूरा, ये पूरा हैंडमेड है इनका, इनकी एंटायर फैमिली इसी बिजनेस में है और ये सब क्रिएट करते हैं। तो अभी यहाँ पे हैंग करेंगे, ये आप देख रहे हो, ये ऑप्शन देख रहे हो आप, ये जितना पोर्शन यहाँ से ओपन है ये सब कवर हो जाएगा। पर्पस यही है कि जो रेन शॉवर आता है इस डायरेक्शन में, इससे वॉल भी प्रोटेक्ट रहेगी और जो डर्ट होता है वो भी प्रोटेक्ट रहेगा और जितनी भी सनलाइट आती है, वैसे इस डायरेक्शन में तो आएगी नहीं, तो जितना भी है यहाँ से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। और फार बेटर है यार, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो जितना आप प्रोटेक्ट कर पाए उतना बेस्ट है, मैं यही कहूँगा। तो भैया अपना काम कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ कि मीन भाई ये क्या करते हैं, तब तक मैं इनसे एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने आपको बताया था भैया ऊपर काम कर रहे थे, तो भैया ने पूरा अपना काम कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं ऊपर से इन्होंने टाई भी कर दिया है, 1, 2, 3, 4 मतलब। अब भैया का कहना ये है कि जितना मर्जी आंधी तूफान आ जाए ये हिलने नहीं वाला, क्यों नरेश भैया? बिल्कुल सही आपने, नरेश भैया इधर आइए थोड़ा सा। नरेश भैया ने हार्डली इसमें सिर्फ 20 मिनट भी नहीं लगाए और 20 मिनट में ये काम करके आप ये जा रहे हैं काम। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा और ये कहाँ से आते हैं, कहाँ मिलते हैं, आप इनको जाके भी पिक कर सकते हैं और अपना एड्रेस भी बता सकते हैं, ये वहाँ भी आ जाएंगे। ठीक है एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये ट्रैवल करते हैं जो इनका ट्रैवल एक्सपेंस होता है 50, 100, 150 मतलब कितने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप वो जो इनका लेबर वर्क है उनसे सेपरेट रखिएगा, वो उनको दीजिएगा। ठीक है ये हार्ड वर्क करके रिक्शा ऑटो से लेकर आते हैं तो इनका वो अर्निंग है। ठीक है तो अभी ये जा रहे हैं, मैं इनका करवा लेता हूँ, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देता हूँ और फैंटास्टिक वर्क किया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ठीक है जी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस वेलकम बैक, सो इट्स 5 PM इन द इवनिंग, मैं अभी नरेश भैया को छोड़ कर आया हूँ और नरेश भैया ही इज़ वेरी नाइस टू मी, ही इज़ नाइस टू एवरी वन, डे एंड होता नहीं है, स्लीपलेस नाइट्स हो रही है मेरी जस्ट बिकॉज ऑफ माई वन एंड ओनली द लव ऑफ माई लाइफ एडोरा। मैं दिखाता हूँ, ये आपको साउंड आ गया होगा, ये देखिए एक्साइटमेंट देखिए। एडोरा से हाई टू एवरी वन, से हेलो, एवरी वन इज वॉचिंग योर नॉटीनेस, सब देख रहे हैं आपको, सी आप इतने नॉटी हो गए हो, आप जैसे डाइट लेते हो उसके बाद एनर्जेटिक हो जाते हो, दैट्स वेरी गुड यार, बट सो यार अब मैं इतना टायर्ड हो चुका हूँ, मेरा खाने खाने का बिल्कुल मन नहीं है, खाना तो बहुत टेस्टी बना हुआ है, एग भुर्जी मेरी फेवरेट येलो दाल बनी हुई है और चपातीस भी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक घंटे तक मुझे भूख लगे
तो मैं खाऊं, बट आई विल हैव माय फूड यार, मैं वेस्ट नहीं करूंगा, खाना खाऊंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं व्लॉग एंड भी नहीं कर पाया, अभी मैं जस्ट उठा हूँ, आप देख सकते हैं मुझे, और जैसे ही उठा हूँ व्हाट आई सॉ लेट मी शो यू गाइस। ये देखिए, ये देख लीजिए आप सब, ये मैडम को मैंने डाइट दी थी 8 o'clock, उसके बाद से ये अब तक एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है, देख रहे हैं, ये टीवी भी ऑन कर दिया है, ये इतनी नॉटी हो चुकी है कि इसने अपने आप टीवी भी ऑन कर दिया है, सुपर टैलेंटेड। तो अभी ये मस्ती कर रहे हैं। हाँ मेरे बच्चों, ओ ओ माय गुडनेस, डिड यू सी गाइस हाउ एनर्जेटिक शी इज यार, बच गया मैं, थैंक गॉड इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन है, जो एंटी रेबीज का इंजेक्शन है वो इसको लग चुका है, इसको इसको मोटो को। सो अभी के लिए व्लॉग एंड करते हैं, आगे आपसे मिलते हैं, काफ़ी वीडियोस है, काफ़ी स्टफ है, आप लोग बहुत एंटरटेन होंगे, आई एम श्योर यू दैट, एंड आई होप सो आपको पसंद आए, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना भी शेयर कर सके प्लीज़ कीजिए, एज आई ऑलवेज से आप ही मोटिवेटर हैं एंड सपोर्टर हैं, दैट्स ऑल। सो गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट।